वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण आर के तोमर ने विभाग के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उद्यान विभाग के उप निदेशक देवेश कुमार वर्मा, पवन कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव उद्यान ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, प्रधानमंत्री सूचना खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, राजकीय प्रक्षेत्र पर हो रहे निर्माण कार्यों की अद्यतन प्रगति, प्रदेश के समस्त राजकीय आलू एवं शाक भाजी क्षेत्रों, पौधशाला उद्यानों के लाभ एवं हानि की स्थिति तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा की। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बागवानी के माध्यम से शाक सब्जियों के उत्पादन पर जोर दिया जाए तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। के लिए कोल्ड चैम्बर व्हीकल्स की जो है आवश्यकता पड़ेगी या कुछ ग्रेडिंग पैकेजिंग की आवश्यकता पड़ेगी, संबंधित प्रोजेक्ट भी बना के हमको आगे बढ़ानी है। मतलब अच्छी खासी क्षेत्र बताए सात साल, लेकिन इतना तो मुझे दिखाई नहीं दिया है। रामपुर में कभी जो है ये है जिसपे जो है एक बार में करीब 2 लाख सीडलिंग तैयार हो जाएंगी। और सर ने जैसे कहा है कि वहाँ वेजिटेबल का एरिया बनाना है, बताइए सरकार को सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थिति क्या है, अभी सर आपका शुरुआत हो गई इसकी? सर अभी इसका शुरुआत नहीं हो पाई है सर, खासियत ये रहेगी की उसमें जो सिग्नेचर जो आपको तैयार करते हैं उसमें जो आपके इंडिकेटर होते हैं वो नहीं आते हैं, उसका बनाना होगा वो आप अभी से अपने आपको तैयार कर दीजिए। वो फार्म जो है सर फार्म है वहाँ बात करता है बाबा चामी के पास में, तो करीब आलू का पहले आलू रिसर्च सेंटर होता था आपका, तो सेंटर जी है बाबू का सेंटर है, तो आपको जो है उस क्षेत्र में जी सर आलू बहुत बड़ा है, आलू रिसर्च सेंटर के नाम से बहुत फार्म है सर, तो आपको सबसे ज्यादा अग्रणी लेना है और हम आपको एक दो स्टाफ जो है वहाँ दे रहे हैं और आपको ये पूरा करके दिखाना है और ट्रांसफर के चक्कर में भारतीय दल वहाँ है, तो मैं चाहूंगा कि आप उसको तैयार करके तब दूसरे को हैंडओवर करके तब आप छुट्टी पार्टी की सेवा दे सकते हैं।